नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। वल्लभगढ़ के आजाद नगर कॉलोनी में पिछले 11 अगस्त को एक 11 वर्षीय दलित परिवार की बच्ची का बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी और घटना के इतने दिनों बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी कुकृत्य के विरोध में वल्लभगढ़ कांग्रेस की पूर्व विधायिका शारदा राठौर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं वल्लभगढ़ पंचायत भवन पहुंची, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार एवं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाएं आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी एवं आरोपियों को फांसी सजा देने की मांग कर रही थीं। शारदा राठौर ने कहा कि सवा महीना बीत जाने के बाद भी इस मामले में पुलिस अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से विफल हो चुका है, क्योंकि बेटी बचाना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। महिलाओं में भय का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने वल्लभगढ़ से मौजूदा भाजपा विधायक एवं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के लिए भी कहा कि उन्होंने जो आर्थिक मदद की घोषणा की थी वो भी अभी तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि हमने SDM को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महामहिम राज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप कर बलात्कार के शिकार मृतका बच्चे को न्याय दिलाने की मांग की है। अगर इसके बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पर सभी नेताओं एवं सरकारी अधिकारियों का घेराव करेंगे। देखिए, अभी तक कोई अधिकारी बाहर नहीं आया है और सारे अधिकारी एक एक करके यहाँ से गायब हो गए हैं। तो हमारी मांग है, क्योंकि हमारी शिकायत पुलिस प्रशासन से है, तो पुलिस अधिकारी यहाँ आए और ज्ञापन लें, ताकि हम उन्हें हमें वहाँ ना जाना पड़े। वहाँ जाएंगे तो हम घेराव करेंगे। तो पुलिस अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि वो यहाँ आकर ज्ञापन लेकर जाए। एक तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते और महिलाओं की भीड़ देखकर एक एक करके सारे भाग चुके हैं, सारे गायब हो रहे हैं। अंदर जाकर बैठ जाएंगे अगर कोई नहीं आएगा। अंदर जाकर बैठ जाएंगे। भाई या तो अधिकारी बाहर आए या हटा दिए सारे।